हम देखते। आ गई परमेश्वरी, हाय रे नंद किशोर, अभी तो जान ही अटकी रही। शिव तुम ठीक तो हो ना? पता है हम कितने घबरा गए थे। जी जी हम ठीक है। ये क्या हुआ खुशी? वो ऑटो से निकलते वक्त लग गया था। काहे? तनख्वाह मिली है का नंद किशोर, जो माटी में लोट लगाए के आई रही हो? हैं? देखो खुशी, हम वहां पर कुछ नहीं कह पाए, लेकिन अब कह रहे हमें लावण्या जी बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हद से आगे बढ़ते जा रही है वो, किसी से बर्ताव करने का ये कोई तरीका है क्या? तो क्या करे जीजी, नौकरी है तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन खुशी, ये नौकरी करने से पहले तुमने भी तो अपनी शर्त रखी थी कि तुम उस अर्नव सिंह राजादा से नहीं मिलोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें मिलना पड़ रहा है ना। बहुत कोशिश की जीजी, पर हो नहीं पा रहा। कुछ नहीं तो आते जाते वक्त ही टकरा जाता है। अब इसका कोई उपाय नहीं है। हमने तुमसे कहा था ना, अगर पानी में रहना है तो उस मगरमच्छ की शक्ल तो देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है तुम हमारी बात सुनोगी नहीं? तो हम तुमसे बात क्यों कर रहे हैं खुशी? अब जीजी को कैसे मनाएं? खुशी कहाँ गई ये लड़की? विश्वास नहीं करते और ना ही किसी से प्यार से बात करते। गुस्सा तो ऐसे करते जैसे सांस ले रहे हो। बस अब और नहीं, अगर हम इसी तरह उसकी बुराई करते रहे तो गांव वाले सुनते सुनते सुसाई कर लेंगे। तो सीधा सजा सुनाते, अर्नव सिंह रायजारा तू जेल में जाई और चक्की पीसे। तू खुशी कुमारी गुप्ता को तड़पाई और चक्की पीसे। तू हमारी जीजी को रुलाई तो और भी चक्की पीसे और पीसे। जरा सोचो जीजी, अर्नव सिंह रायजादा जेल में टूट फूट में चक्की पीसिंग और पीसिंग और
अरे हंसी तो फंसी, जी जी हंसी मतलब फंसी। क्यों ठाकुर? जी जी भी खुश, ठाकुर भी खुश और हन्ना चुप। अगर दोबारा ये नाम तुम अपने मुंह से निकाली ना तो हम घास के जैसे तोकर चर जाइए। अच्छा ठीक है, तो आप लाटेन वाले रामला। तो गांव वालों, इसका मतलब हुआ मरना कैंसर। पगली कहेगी, जब देखो मजाक मजाक। अब सोना नहीं है क्या? नहीं जी जी, अभी नहीं, हमें थोड़ी देर बाहर बैठ, अब हमें नींद नहीं आ रही। चल ठीक है, थोड़ी देर में आ जाना। हमें भी नींद नहीं आ रही। खुशी जी? हाँ, वो अंग्रेजी में लोग चीयर्स कर सकते हैं तो हम हिंदी में खुशी क्यों नहीं? खुशी, इतनी रात को यूं चुस्कियां लेते हुए चाय पीते किसी को देखा है तो वो आप हैं। ऐसे खुशी जी, ये बताइए वो शांतिवन में क्या हुआ था? नहीं। देखिए खुशी जी, हमें सिर्फ बातें बनाना नहीं पकड़ना भी आता है, कुछ तो हुआ है। खुशी जी, आप हमसे क्यों छुपा रही हैं? छिपाने की क्या बात है श्याम जी, आप तो जानते हैं कि वहां हम सिर्फ नौकरी करने जाते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। पता है श्याम जी, जब हम छोटे थे हमें लगता था कि हमारे गुल्लक के खुले पैसों से हम सारी दुनिया खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल खरीद सकते थे। अब वो अलग बात है कि उस वक्त वो मीठी गोली 50 पैसे वाली, वो ही सारी दुनिया लगती थी। अरे हाँ, वो संतरी रंग की गोली, मुंह में स्वाद आ गया। सब कुछ कितना बदल गया ना श्याम जी, दुनिया बड़ी होती जा रही है और हमारी गुल्लक छोटी पड़ती जा रही है। ऐसे लगता है कि अगर जेब में पैसे ना हो तो कोई हमें पहचानता भी नहीं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है खुशी जी। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम पैसे को अहमियत दें या ना दें, ये पैसा हमारी अहमियत जरूर तय कर लेता है। अरे वाह, पैसा अहमियत, क्या डायलॉग है श्याम जी। आप इसी तरह हमें डायलॉग ही मारते रहे, उस दिन की तरह गुस्सा होकर चले मत जाइएगा। नहीं नहीं खुशी जी, हम आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। क्या है कि कभी कभी हम अपनी उलझनों में खो जाते हैं। हमने भी कुछ गलतियां की हैं, बस उन्हीं का हल ढूंढते रहते हैं। फिकर मत करो ठाकुर, जिस दिन इस वीरू के पास पैसे आ जाएंगे ना तो वो ठाकुर को भी माला माल कर देगा। पैसे की कमी किसे है खुशी जी, रानी साहिबा है ना। जिंदगी में कोई कमी है तो आपकी है बस। अब खुशी जी, दुनिया भर की सारी बातें कर ली पर ये नहीं बताया कि वहां हुआ क्या था। क्या होगा श्याम जी, अर्नब सिंह रायसाता ने हमेशा की तरह हमें अपनी औकात याद दिला दी। देर रात को बीच रास्ते में हमें गाड़ी से उतार दिया। चलते हैं।
ताने तो अर्णव सिंह राय ज्यादा, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने आप पर। हम खुशी जी के हर आंसू का बदला लेंगे तुमसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।